वेलकम बैक टू आवर चैनल डेंटल मैस्ट्रो। सो टुडेज टॉपिक इज डेंचर एडहेसिव्स। तो बहुत सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारा डेंचर रुकता नहीं है, बार बार हम बात करते हैं तो निकल जाता है। हो सकता है कि उसमें रिटेंशन प्रॉब्लम हो, तो जो कि आपके डेंचर से थोड़ा लूज डेंचर बनाया है। बहुत बार डेंचर एकदम परफेक्ट होता है लेकिन पेशेंट को हैबिट नहीं होती तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, दीज आर कॉल्ड डेंचर एडहेसिव्स। तो उसमें एक हमारा प्रोडक्ट है दिस सुपर ग्रिप फिक्सॉन क्रीम। तो मैं इस क्रीम के बारे में बताऊंगी आपको कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप डेंचर पे लगाकर फिर डेंचर लगाएंगे अपने माउथ में तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो ये हमारे मार्केट में पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है और क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो इसका कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या रहता है, केराया रहता है, ट्रैगाकैंथ रहता है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीइथिलीन ऑक्साइड, फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं एंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एंड प्लास्टिसाइजर्स। तो ये सारा इसका कॉम्पोजिशन हो गया। तो ये क्या होता है, हाईली विस्कस सॉल्यूशन होता है टू इम्प्रूव द रिटेंशन ऑफ द कंप्लीट डेंचर। तो ये क्या होता है कि ये हमारा जो डेंचर है, ये अपर का हो गया, ये लोअर का हो गया, तो ये डेंचर को रिटेंशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इस पर हमें थ्री डॉट्स, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके थोड़ा 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 डालना है और फिर पेशेंट के मुंह में लगाना है। और इसमें क्या करते हैं, फोर पार्ट्स में, एक थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, ऐसे करके फोर 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 करके हम यूज़ करके पेशेंट को लगा देते हैं। और आस्क देम नॉट टू हैव एनीथिंग फॉर 5 मिनट्स। जब लगाया है तो उसको बोलना है कि 5 मिनट तक कुछ नहीं लेना है, ना कुछ बात करनी है, बंद करके रखें ताकि वो अच्छे से अपनी जगह ले पाए और उसकी रिटेंशन प्रोवाइड करें। और इसमें क्या रहता है कि जो हाई विस्कोसिटी है उसकी, वो डिस्प्लेसमेंट को भी प्रिवेंट करती है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ हो गई, प्लेजेंट स्मेल होती है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं माउथ के लिए तो बायो कंपेटेबल और फ्रेंडली यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को उससे प्रॉब्लम ना हो। बस समटाइम्स ये होता है, हमें ये चेक करना होता है पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि एलर्जी का नहीं पता होता कि कौन सा किस इंडिविजुअल किस चीज़ से एलर्जिक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जो किराया गम है उससे कभी कभी किसी को एलर्जी हो जाती है, तो उस केस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम इसको एक्सेसिव नहीं यूज़ करेंगे, बहुत सारा यूज़ नहीं करेंगे, वो फ्लो करके जो है हमारे पेट में चले जाए। तो क्योंकि क्या होता है, बहुत बार पेशेंट को इससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो वो हम नहीं यूज़ करेंगे। और पार्शियली एडेंचुलस डेंचर में भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बहुत एसिडिक होता है, एसिडिक होता है तो ये जो नेचुरल टीथ प्रेजेंट है उसमें केरीज बहुत कॉज करता है। तो टू प्रिवेंट द नेचुरल टीथ टू गेट द डिके, वी डोंट यूज़ अ डेंचर एडहेसिव इन द पार्शियली एडेंचुलस टीथ। तो हम किस चीज़ में, इंडिकेशंस है कि टेम्परेरी रिटेंशन चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में पेशेंट को हैबिट नहीं होती है, तो हम डेंचर एडहेसिव लेकर यूज़ करेंगे तो पेशेंट को हैबिट हो जाएगी, कुछ दिन नहीं निकलेगा फिर तो रेगुलर वो यूज़ कर सकता है। और या फिर पेशेंट को कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी हम डेंचर एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने इसको बताया कैसे यूज़ करना है, इसमें वन ड्रॉप यहाँ, वन यहाँ, वन, फिर पेशेंट की मुंह में उसको फिट कर सकते हैं आराम से। और पेशेंट को 5 मिनट तक कुछ नहीं लेना है, मुँह बंद करके रखना है कुछ, और उसके बाद ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉपर जब भी डेंचर निकाल के रखें इसको प्रॉपर अच्छे से क्लीन करना है ब्रश से, और माउथ को भी अच्छे से रिंस कर लेना है, कहीं पे छोड़ना नहीं है मुंह में, और ये पेट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर। गली में